रहूंगा, उसके बाद उनसे बात करूंगा। साथियों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। वैसे रूबरू मिलता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप में से बहुत से लोग विदेशों में अभी अपनी कोचिंग की व्यस्तता में हैं। दूसरी ओर मैं भी, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो वहां भी कुछ व्यस्तता है। साथियों, आज 20 जुलाई है। खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को, जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप में से अनेक एथलीट पहले भी स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिताओं में देश को गौरव के क्षण दे चुके हैं। इस बार भी आप सभी खिलाड़ी, आपके कोचेस उत्साह से, जोश से भरे हुए हैं। जिनके पास पहले कॉमनवेल्थ में खेलने का अनुभव है, उनके लिए खुद को दोबारा आजमाने का मौका है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपने जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। बाकी मैं अब अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान परोसना नहीं चाहता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे बात करना है मुझे? अविनाश साबले महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जैन सर, मैं अविनाश साबले, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है,
तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा कर रहा। और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने इस स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहां पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आपको मतलब ये स्टीपल जैसे इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है उसको जंप करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में। और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी ट्रेनिंग के बाद मुझे स्टीपल अच्छा जैसे इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। अविनाश, ये मुझे बताइए कि आप पहले बहुत वजन ज्यादा था और आपने बहुत कम समय में अपना वेट लूज किया, और आज भी मैं देख रहा हूं बहुत दुबले पतले दिख रहे हो। मैंने देखा था कि हमारे एक साथी नीरज चोपड़ा जी ने भी बहुत कम समय में अपना वेट कम किया था, और मैं समझता हूं कि आप अपना अनुभव अगर कुछ बताएं कि ये आपने कैसे किया है, ताकि शायद खेलकूद की जगत के और लोगों को भी काम आए। सर मैं आर्मी में मतलब एक सोल्जर की तरह जब ड्यूटी कर तो मतलब मेरा वेट काफी ज्यादा था। तो मैं जब सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और मेरे साथ मतलब मेरे यूनिट ने भी और आर्मी ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया कि स्पोर्ट्स में जाना। तो मैंने सोचा कि अभी रनिंग करने के लिए तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था। तो मेरा कम से कम 74 kg वेट था। तो मैं अभी ये कैसे होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ट्रेनिंग के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता था मुझे आर्मी में। तो मैं ये वेट कम करने के लिए मुझे 3-4 महीने का टाइम लगा। और कितना उसके वेट बाद लॉस किया? जब मैं सर मैं अभी 53 kg मतलब वेट रहता है सर मेरा 53 kg। और मेरा तब 74 मतलब 20 kg बहुत कम के आसपास। किया। अच्छा अविनाश, मुझे खेल की सबसे अच्छी बात, और ये जरूर मेरे मन को छूती है, कि इसमें पीछे की हार जीत का ज्यादा बैगेज नहीं होता है। हर बार कंपटीशन नया होता है, फ्रेश होता है, और आपने बताया कि आप पूरी तरह तैयार हैं। सभी देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जमकर खेल जाएगा। आइए, और किससे बात करते हैं? सर अचिंता शिवली वेस्ट बंगाल से हैं, ये वेट लिफ्टिंग करते हैं। अंचिता जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी बर्मिंघम कर रहा हूँ सर। थोड़ा अपने विषय में बताइए सेवेंटी जरा। 73 कैटेगरी में खेलता हूँ सर, अच्छा वेस्ट बंगाल अंचिता, से लोग हूँ। कहते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एकदम से कूल जिसको कहते हैं, और आपका खेल तो है जिसमें पावर लगता है, शक्ति का खेल है। तो ये शक्ति और शांति, ये दोनों को कैसे आपने मेल बिठा दिया है? सर कुछ कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बाहर लेते हैं कि जोश के साथ सर एकदम। अच्छा अंचिता, रेगुलर योगा करते हो? हाँ जी सर, कभी कभी मिस होता है लेकिन करता हूँ सर। अच्छा
अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है और मेरा बड़ा भैया है सर। अच्छा, और परिवार से भी मदद मिलती है? हाँ सर, परिवार से मेरा मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है कि करो अच्छे से करो, डेली बात होता है, हमेशा सपोर्ट ही रहा है सर। देखिए माँ को चिंता रहती होगी कहीं को चोट पहुंचा न दे, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में हमेशा इंजरी की बड़ी चिंता रहती है। तो जी सर, माँ जब बात करता माँ से तो उन लोग भी अच्छे से खेलो। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत प्रगति हो, बहुत लाभ मिले आपको, और काफी प्रगति करें आप। अच्छा, आपने खुद को कैसे इंजरी से बचाया, इसकी कोई विशेष तैयारी की है क्या? नहीं सर, इंजरी तो सर आता रहता है, लेकिन उसके लिए सर हम फिर उसको पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या मैंने गलती किया इसलिए टाइम में वैसे इंजरी आया, उसको मैंने फिर ठीक किया, फिर धीरे धीरे फिर इंजरी भी चलता गया, नहीं आया सर। अच्छा जी साहब, मुझे बताया कि आप तो सिनेमा देखने के बड़े शौकीन हैं, फिल्में देखा करते हैं, हैं? तो ट्रेनिंग के बाद तो समय नहीं मिलता होगा आपको? हाँ सर, तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जब फ्री होता है तो थोड़ा देख लेता सर। तो इसका मतलब कि वहां से मेडल लेकर के आओगे, उसके बाद यही काम रहेगा फिल्म देखने का? नहीं नहीं सर। चलिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मैं आपके परिवार को भी उनकी सराहना करना चाहूंगा, विशेष करके आपके माता जी और आपके भाई को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी। मेरा मानना है कि जब कोई खिलाड़ी बनता है तो खिलाड़ी के साथ ही पूरे परिवार को तपस्या करनी पड़ती है। आप कॉमनवेल्थ में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आपकी माता जी के साथ ही देश के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। अंचिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर, अब ट्रीसा जॉली केरला से हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ट्रीसा जॉली प्लेइंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम प्लेइंग सेल्फी फॉर द 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स बैडमिंटन सर। अच्छा ट्रीसा, आप कन्नूर जिले से हैं, वहाँ की तो खेती और फुटबॉल दोनों बहुत प्रसिद्ध है, आपको बैडमिंटन के लिए किसने प्रेरित किया? सर, माय फादर मोटिवेटेड मी टू प्ले द स्पोर्ट, हैज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इज मोर पॉपुलर इन माय होम टाउन, बट बैडमिंटन इज मोर कन्वीनियंट टू प्ले इन दैट एज, एट द एज ऑफ 5। अच्छा ट्रीसा, मुझे बताया गया है कि आप और गायत्री गोपीचंद दोनों अच्छी दोस्त भी हैं, डबल्स पार्टनर भी हैं, अपनी दोस्ती और ऑन फील्ड पार्टनरशिप के बारे में जरा बताइए। सर, इट इज गुड बॉन्ड विद गायत्री, लाइक व्हेन वी आर प्लेइंग इट्स क्रिएट अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन वी आर प्लेइंग ऑन कोर्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गुड बॉन्ड विद आवर पार्टनर्स। अच्छा ट्रीसा, आपने और गायत्री ने लौटने के बाद सेलिब्रेट करने का कैसा प्लान बनाया है? सर, उधर जाके मेडल आए तो वी विल सेलिब्रेट। सर, पता नहीं अभी कैसे हाउ वी सेलिब्रेट। बीबी संधू ने तय किया था कि वो आकर के आइसक्रीम खाएगी। सर, आपसे शानदार शुरुआत की है, अभी तो पूरा कैरियर आपके सामने है, अभी तो आपकी जिंदगी शुरुआत है, और आप हर मैच में अपना 100% दीजिए, हर मैच को पूरी गंभीरता से लीजिए, मैच के बाद परिणाम कुछ भी हो लेकिन आपका लगना, यानी बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे सभी टोली को शुभकामनाएं मेरी। सर, अब मिस सलीमा बेटे झारखंड से हॉकी की प्लेयर है। सलीमा जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सलीमा जी, कैसी हैं आप?
ठीक है सर, आप लोग कैसे? अभी कहाँ कोचिंग के लिए, कहीं और है, बाहर है आप? जी सर, अभी इंग्लैंड में है हम लोग। अच्छा, यूके में है। अच्छा सालुमा, मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप और आपके पिता ने हॉकी के लिए बहुत संघर्ष किया है, तब से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में अगर आप कुछ बताओगी तो देश के खिलाड़ियों को भी जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा। जी सर बिल्कुल, जैसे मैं एक गांव से हूँ तो जैसे मेरे पापा भी खेलते थे पहले, जब वो उनका एज था, पर अभी तो बहुत टाइम, उन्होंने पापा छोड़ दिए, तो मैं उनके साथ कहीं भी पापा जाते थे खेलने के लिए तो मैं उनके साथ साइकिल में जाती थी खेलने, उसके साथ बस मैं बैठ के देखती थी कि मतलब कैसे गेम होता है। मैं पापा से सीखना चाहती थी कि मैं कैसे सीखूं हॉकी, मुझे भी हॉकी खेलना है। जैसे असुंत लकड़ा जैसे झारखंड से हुई, तो उनको मैं देखती थी कि मतलब इतना प्लेयर कैसे ये है, तो मुझे वैसा बनना है। तो मैं पापा के साथ साइकिल में जाती थी, फिर बैठ के देखती थी कि कैसे गेम होता है। तो बाद में धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि बहुत कुछ दे सकता है अपना लाइफ को। तो मैंने पापा से ही सीखा है कि मतलब स्ट्रगल करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे अपने फैमिली से, उनसे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि उनसे मैंने इतना अच्छा नॉलेज सीखा है। सलीमा, टोक्यो ओलंपिक में आपके खेल ने सभी को प्रभावित किया था, और आपका वो अनुभव मैं समझता हूं अगर आप साझा करती हो टोक्यो वाला अनुभव, तो भी मैं समझता हूं सबको अच्छा लगेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे हम टोक्यो ओलंपिक्स जाने से पहले आपसे भी बात किए थे, फिर अभी कॉमनवेल्थ आने से पहले भी हम ऑलरेडी हैं इंग्लैंड में, पर अब से पहले आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम जाने से पहले आपने हमसे सबसे बात की थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। तो बस यही है कि हम टोक्यो ओलंपिक्स में हम यही सोच के गए थे कि हमें कुछ करना है इस बार, तो हम इस टूर्नामेंट में भी हम यही सोच के आए हैं कि हमें करना है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में हमें जैसे कोविड भी था, तो हमें बहुत डिफिकल्ट हुआ था, जैसे साई में बहुत ज्यादा हमें ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जैसे पहले वहाँ बहुत अच्छा हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि हम टोक्यो में जाके बहुत कुछ सीख के आए, फिर अपने दम पर बहुत कुछ करके आए। तो बस आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे तक जाए, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हमारी एक बहुत अच्छा पहचान थी, जैसे हमने बहुत अच्छा खेला रही टीम, तो हमें इनको इसको कंटिन्यू रखना है सर। सलीमा, आप छोटी सी ही उम्र में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव आपको आगे भी बहुत ही मदद करेगा, आप बहुत आगे बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीम को अपनी ओर से और देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बिना किसी तनाव को मस्ती से खेलिए, सभी लोग सर्वश्रेष्ठ जब प्रदर्शन करेंगे तो पदक हर हाल में हो आना ही आना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर शर्मिला है हरियाणा से, ये पैरा एथलेटिक्स में शॉटपट की खिलाड़ी हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते शर्मिला जी। शर्मिला जी, हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। जरा मैं जरूर जानना चाहूंगी चमत्कार कैसे हुआ, आपकी प्रेरणा क्या है? सर मैं हरियाणा से जिला महेंद्रगढ़ थौली से निवास करती हूँ, रेवाड़ी में मैं रहती हूँ। और सर मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आए हैं, लेकिन मेरा बचपन से शौक था खेलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फैमिली में भी गरीब थे मेरे पापा, माँ ब्लाइंड थी, 3 बहनें 1 भाई है हमारा, बहुत ज्यादा गरीब सर। फिर मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन आगे हस्बैंड कुछ नहीं मिले, बहुत अत्याचार किए। मेरी 2 बेटियां हैं सर, वो भी स्पोर्ट्स में है,
लेकिन तीनों तीनों माँ बेटियों पर हम पर बहुत अत्याचार हुआ था। मेरे माँ बाप मुझे अपने मायके में ले आए। 6 साल मायके में रही हूँ सर, लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ करने का था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला सर मुझे। तो सेकंड मैरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्ट्स में हमारे रिलेटिव टेकचंद भाई जो है फ्लैग बैरियर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने डेली 8 घंटे सुबह शाम 4 4 घंटे बहुत मेहनत करवाई मेरे से, और उनकी वजह से आज मैं नेशनल में 1 साल 2 साल में मैं गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ सर। शर्मिला जी, आपके जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिसको सुन करके कोई भी ये सोचेगा कि भाई अब आगे जाना नहीं, छोड़ दो दुनिया में, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं। शर्मिला जी, आप वाकई हर देशवासी के लिए एक रोल मॉडल है, और आपकी 2 बेटियां भी हैं, जैसे आपने कहा, अब उनको भी जरा खेलकूद की समझ आ रही है, वे भी काफी रुचि लेती होगी, और वो भी आपसे खेल में पूछताछ करती रहती होगी, उनकी रुचि क्या है उन बच्चों की। सर बड़ी बेटी जेवलिन में है, अंडर 14 में अब खेलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी वो खिलाड़ी भी। अब भी शायद टॉप है हरियाणा में, जब गेम होंगे उस दिन चलेगा सर। छोटी बेटी टेबल टेनिस में है। मेरी इच्छा है कि मैं मेरी बेटियों को भी खेल में लाके उनका भी जीवन अच्छी तरीके से बनाऊं, क्योंकि जो जो मैंने झेले हैं ये बच्चों पे ना आए, उनको भी मैं अपनी देश जी, सेवा में ही। आपके जो कोच है टेकचंद जी, वो भी पैरालंपियन रहे हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है और करवाई है 4 4 घंटे की। जब मैं स्टेडियम में नहीं जाती तो घर पकड़ पकड़ के ले जाते थे, थक जाती थी, फिर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि हार मत मानना, जितनी मेहनत करेगी उतना फल तेरे आगे आएगा, मेहनत पे ध्यान दो। शर्मिला जी, आपने जिस उम्र में खेलने की सोची, उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर चुनौती आपके लिए हौसले के आगे हार जाती है। आपका समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी बेटियों को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। जिस लगन से आप काम कर रही है, आपकी बेटियों का जीवन भी वैसा ही उज्जवल बनेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों को आशीर्वाद है। अब है सर श्री डेविड बेकम, ये अंडमान और निकोबार से है, साइकिलिंग करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते डेविड, कैसे हो? ठीक हो सर। डेविड, आपका नाम तो एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है, लेकिन आप साइकिलिंग करते रहते हैं। लोग भी आपको फुटबॉल खेलने की राय देते होंगे, कभी आपको लगा कि प्रोफेशनली भी फुटबॉल खेलना चाहिए या फिर साइकिलिंग ही आपकी पहली चॉइस रही है? मतलब प्रोफेशनल खेलने का मतलब शौक था फुटबॉल में, बट हम लोग वहाँ पे मतलब फुटबॉल का उतना स्कोप नहीं था निकोबार, इसलिए फुटबॉल का वो बढ़ नहीं पाया उधर पे। अच्छा देविन, मुझे बताया गया कि आपकी टीम में और एक साथी का नाम भी मशहूर फुटबॉल प्लेयर के नाम पर ही है। फ्री टाइम में आप दोनों फुटबॉल खेलते हैं या नहीं? फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम लोग का मतलब ट्रेनिंग में ही फोकस करते हैं हम लोग, अपना ट्रैक साइकिलिंग में बस उसी में हम लोग का मतलब पूरा टाइम उसी अपना ट्रेनिंग में हम लोग चलाते हैं। दरेवे, आपने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, पर साइकिल से हाथ कभी नहीं छूटा, और इसके लिए बहुत अधिक मोटिवेशन की जरूरत है। ये मोटिवेशन और ये अपने आप को मोटिवेट रखना, ये अपने आप में का अजूबा है, आप कैसे करते हैं ये? ये मतलब सर मेरा लोग बहुत मोटिवेट करता है मेरे को कि आपको आके जाना है और आके मतलब मेडल जीत के आना है यहाँ पे, और ये हम
ये मतलब बॉडी की बात होगा कि मैं बाहर जाके अपना मेडल ले आएगा और मैं बहुत अच्छा डेविड, आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था, खेलो इंडिया गेम्स से आपको कैसे मदद मिली? इस जीत ने आपके संकल्प को कितना और मजबूत किया? जी सर, वो मेरा पहला जर्नी था कि मैं अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था 2 बार और मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं मन की बात में आपने मेरा बारे में बहुत बोला था और मैं बहुत खुश था उस टाइम कि आपने मन की बात में मेरा मोटिवेट किया और एक मैं अंडमान निकोबार का एक खिलाड़ी हूँ कि मैं वहां से निकल के यहाँ नेशनल टीम में पहुँचूं और ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा अंडमान टीम भी बहुत प्राउड फील करता है कि मैं अपने इंडिया टीम में यहाँ इंटरनेशनल टीम में यहाँ करा। देखिए डेविड, आपने अंडमान निकोबार को याद किया और मैं जरूर कहूंगा कि आप देश के सबसे खूबसूरत क्षेत्र से आते हैं। आप 1-1.5 साल के रहे होंगे जब निकोबार में आई सुनामी ने आपके पिताजी को आपसे छीन लिया था। 1 दशक बाद आपने अपनी माताजी को भी खो दिया। मुझे याद है 2018 में मैं कार निकोबार गया था तो मुझे सुनामी मेमोरियल जाने का और जिन्हें हमने खो दिया उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला था। मैं आपके परिवार को प्रणाम करता हूं कि इतनी विषमताओं में भी उन्हें आपको प्रोत्साहित किया। आपके साथ हर देशवासी का आशीर्वाद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अच्छा होता जैसा मैंने पहले कहा कि मैं आप सभी से रूबरू मिलकर सबसे बात कर पाता, लेकिन जैसा मैंने कहा आप में से अनेक दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं भी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का सत्र चलने के कारण काफी व्यस्त हूं और इसके कारण इस बार मिलना संभव नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये जरूर वादा करता हूं कि जब आप लौटेंगे तो हम जरूर मिलकर आपकी विजय का उत्सव मनाएंगे। नीरज चोपड़ा पर तो देश की विशेष नजर रहने वाली है। साथियों, आज का ये समय भारतीय खेलों के इतिहास का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। आज आप जैसे खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद है, ट्रेनिंग भी बेहतर हो रही है और खेल के प्रति देश में माहौल भी जबरदस्त है। आप सभी नए शिखर चढ़ रहे हैं, नए शिखर गढ़ रहे हैं। आप में से अनेक साथी लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सराहनीय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व आत्मविश्वास आप सभी के भीतर आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। और साथियों, इस बार हमारी कॉमनवेल्थ की जो टीम, ये अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। हमारे पास अनुभव और साथ साथ नई ऊर्जा दोनों का अद्भुत संगम है। इस टीम में 14 साल की अनहत है, 16 साल की संजना सुशील जोशी हैं, शेफाली और बेबी सहाना, ये 17-18 साल के बच्चे, ये हमारा देश का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ खेलों में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जैसे युवा खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि भारत का कोना कोना खेल प्रतिभाओं से भरा हुआ है।
साथियों, आपको प्रेरणा के लिए, प्रोत्साहन के लिए बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी टीम के भीतर ही जब आप मनप्रीत जैसे अपने साथियों को देखेंगे तो जज्बा कई गुना बढ़ जाएगा। पैरों में फ्रैक्चर के कारण उनको रनर के बजाय शॉर्टपुट में अपनी नई भूमिका को अपनाना पड़ा और उन्होंने इसी खेल में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। किसी भी चुनौती के सामने पस्त न होना, निरंतर गतिमान रहना, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहने का नाम ही खिलाड़ी होता है। इसलिए जो पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि मैदान बदला है, माहौल भी बदला होगा, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, आपकी जिद नहीं बदली है। लक्ष्य वही है कि तिरंगे को लहराता देखना है, राष्ट्रगान की धुन को बजते सुनना है। इसलिए दबाव नहीं लेना है, अच्छे और दमदार खेल में अपना प्रभाव छोड़ करके आना है। आप ऐसे समय में कॉमनवेल्थ खेलों में जा रहे हैं जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इसी अवसर पर आप श्रेष्ठ प्रदर्शन का तोहफा देश को देंगे। इस लक्ष्य के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो सामने कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, आप सभी ने श्रेष्ठ ट्रेनिंग की है, दुनिया की बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग की है। ये समय उस ट्रेनिंग को और अपनी संकल्प शक्ति का समावेश करने का है। आपने अभी तक क्या हासिल किया वो निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है, लेकिन अब आपको नए सिरे से नए कीर्तिमानों की तरफ देखना है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, यही कोटि कोटि देशवासियों की आपसे अपेक्षा है। देशवासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं, देशवासियों की तरफ से आपको आशीर्वाद भी है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब विजयी होकर के आएंगे तो मेरा यहां आना का निमंत्रण अभी से दे देता हूं आपको। शुभकामनाएं, धन्यवाद।